हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एसयूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको महिंद्रा के अपकमिंग एसयूवी के बारे में। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय बाजार में महिंद्रा अपनी एसयूवी के लिए जानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसयूवी थार का 5-डोर मॉडल अगले साल लॉन्च के लिए तैयार है। इसके बाद कंपनी 2025 के लास्ट और 2026 के स्टार्टिंग में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन उतारेगी। इसका डिजाइन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में पेश किए गए थार इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के समान ही होगा। कंपनी बॉन्ड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म इंग्लो P1 EV पर तैयार करेगी। अब आइए कुछ और डिटेल बात करते हैं। दोस्तों, आने वाली 5-डोर इलेक्ट्रिक थार में चकोर फेंडर, चकोर हैंडलैम्प और 3 LED स्लेट एलिमेंट्स के साथ इसका लुक काफ़ी शानदार है। इसके केबिन में ग्रैब हैंडल के साथ फ्लैट डेस्क, कैपेसिटिव कंट्रोल के साथ 3 spoke स्टीयरिंग व्हील्स और इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर लाइव स्टेटस पिक्टोग्राम भी मिलता है। इसको डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है जिससे इसका लुक अच्छा लगे। इसके इलेक्ट्रिक एसयूवी के अंदर एक पानी की नली होगी जो ऑफ रोडिंग के बाद केबिन को पूरी तरह से साफ कर सकता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके रेंज के बारे में। दोस्तों, आने वाली इलेक्ट्रिक थार 5-डोर में 6 kWh की बैटरी पैक मिल सकती है, जिसे एक बार चार्ज करने पर 325 किलोमीटर से भी अधिक रेंज मिल सकती है। यह फॉक्सवैगन की पावरफुल की मोटर से युक्त होगी। इसका व्हील वेस 2775 mm से 2975 mm के बीच हो सकता है। इस इलेक्ट्रिक वाहन की प्राइस लगभग 18.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसके साथ ही बढ़ी हुई ग्राउंड क्लियरेंस के कारण ऑफ रोड पर गाड़ी को चलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि कंपनी ने इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस इशू नहीं किया है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट था महिंद्रा एसयूवी के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका किसी भी प्रकार का क्वेरीज या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।